Hey guys, my name is Amrita. इस वीडियो में आप लोगों को हेयर स्पा के बारे में बताऊंगी और हेयर स्पा कैसे करना चाहिए ये भी बताऊंगी और हेयर स्पा कराने के क्या बेनिफिट्स है वो भी बताऊंगी। हेयर स्पा हमें इसलिए कराना चाहिए, आजकल जो है हर एक पर्सन जो है वर्किंग है और हमारे पास टाइम भी नहीं होता है और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, जिसके कारण जो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि हेयर फॉल होना, डैंड्रफ। डैंड्रफ तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर एक पर्सन फेस करता है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। और ब्रिटल ब्रिकेज होना, यानी कि बालों का बीच में से टूटना, और स्प्लिटन्स होना, स्प्लिटन्स मतलब कि दो मोहे बाल होना और बालों का गिरना, ये जो चीज़ें हैं हम फेस करते हैं क्योंकि हम लोग ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं। और आजकल के टाइम पे जो है पहले जैसा तो है नहीं कि ऑयलिंग करके हम लोग बाहर जा सकते हैं, इसलिए भी हमें हेयर स्पा कराना चाहिए। अगर आपके इनमें से कोई भी आपके हेयर में प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप फ्रिजनेस के लिए, ड्राइनेस के लिए भी 15 से 20 दिन के बीच में हेयर स्पा या तो आप खुद घर पे कर सकती हैं या तो सलोन में कर सकती हैं। घर पे बहुत ईजी टेक्निक है करने का जो मैं अभी करके दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए अब शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने हेयर को शैम्पू करना होगा बहुत अच्छे से। कंडीशनर या सीरम हमें यूज़ नहीं करना है और टावल ड्राई करके 70-80% आपका टावल ड्राई होना चाहिए। और मैं जो हेयर स्पा यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का हेयर स्पा यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यह है रिपेयरिंग क्रीम बाथ विद वाटर लिली फॉर डैमेज एंड सेंसिटाइज हेयर। मेरे जो हेयर है वो केमिकल ट्रीटेड है, मैंने बहुत सारे कलर्स कराए थे पहले, उसके कारण मेरे जो हेयर है वो फ्रिज भी है, डैंड्रफ भी है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी है, तो इसीलिए और सेंसिटाइज तो है ही है मेरे जो हेयर, ये उसके लिए है। और इसके साथ ही अगर आपके हेयर में इन पांचों में से कोई प्रॉब्लम है तो आप ये एम्प्यूल यूज़ कर सकती हैं। ये भी लॉरियल का एम्प्यूल है जो प्यूरिफाइंग कंसनट्रेट एंटी डैंड्रफ है। और मेरी जो प्रॉब्लम है वो एंटी डैंड्रफ भी है, डैंड्रफ भी है मेरे बालों में और मेरे बाल जो है बहुत फ्रीजी हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं स्कैल्प में वॉश करने के बाद 80% टॉवल ड्राई करने के बाद स्कैल्प में मैं ये अप्लाई करूंगी एम्प्योर। उसके बाद मैं जो है ये हेयर स्पा अप्लाई करूंगी। आपको एक बाउल चाहिए होगा और एक ब्रश चाहिए होगा जो इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, और आपको एक टेल कॉम्ब चाहिए होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं ये शैम्पू करके आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। शैम्पू जो है आपको बहुत अच्छे से अपने हेयर को वॉश करना है, कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, ना सीरम लगाना है, सिर्फ शैम्पू से रिंस आउट करना है। अब मैं सबसे पहले सेंटर चीन निकालूंगी। ये सेंटर चीन निकालने के बाद आपको अच्छे से कॉम करना है अपने हेयर पे, उन्हें टेंगल फ्री करना है। ये मैं अच्छे से टैंगल फ्री कर चुकी हूँ और मैंने एक बाउल में जो है क्रीम निकाला हुआ है और एक बाउल में जो है मैं ये जो है एम्प्यूल जो है वो निकाल रही हूँ। अब मैं इसको फिंगर से लगाऊंगी, ब्रश से नहीं लगाऊंगी। आपको डैप करना है और अपने स्कैल्प में इसको लगाना है। आपको इस तरह से पार्टीशन निकाल के एक एक लेयर में ये जो एम्प्यूल है वो लगाना है। मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो मैंने डैंड्रफ के मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये एम्प्यूल लिया है। अभी मैं ये एक साइड एम्प्यूल लगा चुकी हूँ, अब मैं दूसरी साइड शुरू कर रही हूँ। इस तरह से अपने पार्टीशन निकाल के, चाहे तो आप टेल कॉम की भी मदद से कर सकते हैं या फिंगर से भी, ऐसे पार्टीशन निकाल के अच्छे से। अब मैं ये एम्प्यूल जो है अपने फुल हेड पे पार्टीशन करके जो है अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ। मैं एक साइड की हेयर को सेक्शन कर रही हूँ। क्रीम अप्लाई करना भी बहुत इजी है, आप ऐसे सेक्शन कर ले एक साइड के हेयर को, फिर दूसरे साइड की हेयर को भी, चाहे तो आप क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
इसको भी मैं सेक्शन कर रही हूँ। आपने इतनी थिन लेयर लेनी है, उसके बाद कॉम करना है एक बार। फिर जो हेयर स्पा क्रीम है जो मैंने बाउल में निकाला है, इसे ब्रश की मदद से आपको नीचे एंड तक लगाना है। उसके बाद मंसीफाई करना है 3 से 4 सेकेंड के लिए एक एक लेयर में, जिससे आपके हेयर जो है आपको करते करते ही पता चलेगा कि हेयर, आपको फील होगा कि हेयर, आपके हेयर स्मूथ लग रहे हैं। हर एक लेयर को आपको वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट लेयर के साथ किया है, फर्स्ट लेयर में किया है। एक लेयर निकालना है, उसे कॉम करना है, उसके बाद क्रीम अप्लाई करना है। ऐसे करके लगाने से जो क्रीम है आपके हेयर में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, इसलिए 3 से 4 सेकेंड आपको मंसीफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने हेयर में। और आपको लगे कि आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं तो स्प्रे की, आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं इसको वेट करने के लिए, क्योंकि आप वेट हेयर में लगाएंगे तो आपका हाथ बहुत स्मूथली चलेगा। तो ऐसा स्प्रे बॉटल आप ले सकते हैं, उसमें पानी भर के आपको रखना है और लगे आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर ले। अब मैं ये एक साइड के सारे हेयर में लगा चुकी हूँ और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, अब मैं सेकेंड साइड भी सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। कोई थिन लेयर लेनी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं लेना है, कॉम कर ले अच्छे से। अब मैं अपने बालों में सारी क्रीम अप्लाई कर चुकी हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और बस घर में सैलून में अगर हम कराते हैं तो वो लोग मसाज कर देते हैं। मसाज वैसे हेयर स्पा का पार्ट नहीं होता, लेकिन एक रिलैक्सेशन के लिए और क्लाइंट को अच्छा लगे इसलिए हम लोग जो है मसाज भी ऐड ऑन कर देते हैं। चाहे तो आप अपने फिंगर से हल्के हल्के हाथ से सर्कुलेशन मोशन में मसाज कर सकती हैं घर पे भी, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील हो और थोड़ा सैलून वाला भी आपको फील आए। अच्छे से अपने नेक के साइड में भी प्रेस करें जिससे आपको बहुत रिलीफ फील होगा थंब की उससे हेल्प से। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे नींद आ रही है। और हल्का हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपको। अब मैं पूरे बालों का जो है जूड़ा बना लूँगी स्टीम के लिए, उसके बाद आपको कॉम नहीं करना है। क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद फुल हेयर को आपको ऐसे करके जूड़ा बना के कोई भी सेक्शन क्लिप या क्लेचर से जूड़ा बना लेना है इस तरह से। अब मैंने एक बाउल में ये गर्म पानी लिया है, ये बड़ा सा बाउल है, चाहे तो आप टब भी यूज़ कर सकती हैं, और एक नीट एंड क्लीन टॉवल से मैं स्टीम दूंगी, सॉरी स्टीम लूंगी। आपने टॉवल को ऐसे ट्विस्ट करना है दोनों साइड से, और इतना जो पोर्शन है आपको होल्ड करने के लिए पकड़ना है, फिर इसको डिप करना है। आपको चेक कर लेना है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो टॉवल। इस तरह से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए रखूंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं एक बार और इसको सेम इसको डिप करूंगी क्योंकि टॉवल ठंडा हो चुका है। इसे मैं फिर से 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगी, चाहे तो आप 5 मिनट भी रख सकती हैं। 2 मिनट हो गए हैं पूरे, अब मैं इसको 5 मिनट रखने के बाद हेयर वॉश कर दूंगी प्लेन वाटर से। उसके बाद ना आपको शैम्पू करना है और ना ही आपको कंडीशनर यूज़ करना है, 5 मिनट छोड़ना है क्योंकि अभी जो हेयर है वो गर्म है, हीट है अभी,
तो उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद वॉश करना है। अब मैं ये हेड वॉश कर चुकी हूँ हेड वॉश। उसके बाद जो है आपको हेयर को रब नहीं करना है टॉवल से, लेकिन हल्का सा ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करना है। हेयर को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, रब करने से जो है हमारे हेयर जो है स्प्लिटन्स हो जाते हैं और ब्रिटल ब्रिकेज होने के भी चांसेस होते हैं। ये करने के बाद अच्छे से आपको कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपको हेयर सीरम लगाना है। ये जो मैं हेयर सीरम यूज कर रही हूँ ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है। स्ट्रिक्स का ये हेयर सीरम है। हेयर सीरम जो है आपको 2 से 3 पंप लेना है। उसके बाद हाथ पे हल्का सा रब करते हुए नीचे लेंथ पे लगाना है। स्कैल्प में यूज नहीं करते हेयर सीरम। इस तरह से आपको अपने सारे हेयर में लगा लेना है। अभी ये मेरा हेयर स्पा जो है होके पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। मेरे हेयर बहुत स्मूथ लग रहे हैं। इसके बाद आपको ड्रायर यूज नहीं करना है। अगर आप ड्रायर यूज करते हैं तो वापस आपके हेयर जो है फ्रीजी होने के चांसेस होते हैं। हेयर स्पा के बाद ड्रायर यूज नहीं करना चाहिए। अभी मैं हेयर छू रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट और बहुत सिल्की फील हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।